लाइव, उसके बावजूद भी वो स्टेज पे गए, शाम को उन्होंने अपना स्टेज शो किया। स्टेज के दौरान उनके साथियों का कहना कि तबीयत तब भी खराब थी, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस पूरी जी जान से किया। और उस पूरे ट्रुप वालों का ये कहना है कि वो उस दिन का, उस पूरे ट्रुप का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो धर्मेश जी ने जाते जाते भी ये साबित किया द शो मस्ट गो ऑन, और एक कलाकार की जो भूख होती है कला की, वो उन्होंने उस स्टेज पे जीवित करके दिखाई। दुख बहुत छोटा शब्द है कि मुझे ये कहना कि मुझे धर्मेश के जाने का दुख है, मुझे लगता है मैं बहुत छोटी बात कह रही हूं। क्या होगा दूसरा धर्मेश इस फिल्म इंडस्ट्री में पैदा करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी धर्मेश जी की थी, किसी भी काम को ना ना कहना, और मेरा अक्सर उनसे इस बात को लेकर झगड़ा होता था। मैंने कहा धर्मेश जी आप हर बात को इतना सीरियसली ले लेते, आपने सिंटा को अपने दिमाग में घुसा दिया है, फेडरेशन को अपने दिमाग में घुसा दिया, 24 घंटे दिन भर आप व्हाट्सएप पढ़ते रहते हैं, लोगों की टेंशन दुख दर्द सब कुछ आपके सर पे आपने लेके रखा हुआ है। और मैंने शायद भाभी जी को ये पता नहीं है, जाने से पहले मेरा उनका एक दिन दोनों का पर्सनल लेवल पे मैंने उनसे कहा धर्मेश जी 15 शो करने 15-20 दिन के लिए शहर से बाहर रहना, आपकी तबीयत जो है वो मुझे नहीं लगता आपको अलाउ करती है, प्लीज़ आप ऐसा मत करो। शो में जाने के लिए 2.5 घंटा परफॉर्मेंस, उसके आगे पीछे 1-2 घंटे की तैयारी होती है। और उन्होंने कहा कि नहीं यार कलाकार है, शो मस्ट गो ऑन, और मेरी बात को बड़ा सिंपली जो है उन्होंने नकार दिया। और जब धर्मेश जी को कोई बात डालनी होती तो गाना गा के निकल जाते थे, ये उनकी आदत थी कि हर बात को लाइटली लेके निकल जाते थे। लेकिन आज वो हमको जिस मझधार में छोड़ गए हैं, जहां छोड़ गए हैं, इस फिल्म इंडस्ट्री को दूसरा धर्मेश के लिए इंतजार रहेगी। लेकिन मैं अपनी ओर से आप सबके सामने ये वादा करता हूं कि धर्मेश जी ने जो रास्ता हमें दिखाया, जो बातें हमें बताई, हम जी जान से उन बातों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया, जो एक साथी होने के नाते जो बातें हमें बताई, मैं सच्चे दिल से भाभी जी को, निकी को और अनु को और पूरे परिवार को, शोका को परिवार को ये वादा करता हूँ आप सबके सामने कि भाभी जी कभी भी कोई भी किसी भी तरह का कोई काम होगा तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपके सामने के साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी रहेगी। और कभी भी किसी भी वक्त आप किसी भी काम के लिए हमें आदेश दे सकती हैं। और फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि धर्मेश जी की बातों को हम आगे जीवन में बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश जी के काफ़ी सालों से एक बहुत अच्छे मित्र, उनके साथ उन्होंने काफ़ी समय गुजारा।